हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ नर्सरी से और वहाँ से मैं इतने सारे प्लांट्स लेके आ गया यार। ये देखो यार, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं। मुझे यार ये इतने सारे मैंने प्लांट्स लाए हैं बट मुझे यार एक ही प्लांट का नाम पता है जो कि ये वाला, ये भाई हमारा वाटर कैबेज। बाकी मुझे यार सारे प्लांट्स हैं बट मुझे उनका नाम बिल्कुल भी नहीं पता यार। तो यार ये वाला अलग प्लांट है, ये वाला अलग प्लांट है और इसमें मैंने 2 से 3 वैरायटी मिक्स की है, जैसे कि ये वाला एक है और ये वाला एक है और ये वाला है कि भाई ये सारे ना गप्पी फिशेज के लिए बोले हैं। भाई मुझे बोले कि भाई ये सारे ना आपके गप्पी फिशेज के लिए बहुत अच्छे, मतलब ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे आपके गप्पी फिशेज के लिए। तो मैंने ये वो भी लेके आ गया यार। और यहाँ पे है ये हमारे, हम जो प्लांटेशन टैंक करने वाले तो इसी के लिए भाई ये प्लांट्स मैंने लाए हैं और ये वाला भी प्लांटेशन के लिए मैंने लाया है। ये इसका जो पैरेंट प्लांट होता है ना भाई, मैं वही लेके आ गया यार। देखो ये मिलता नहीं भाई, बहुत रेयर होता है, तो मैं ये भी लेके आ गया, ये भी लेके आ गया और इतने सारे प्लांट्स भी लेके आ गया। और ये जो है ना भाई, ये मदर प्लांट है, ये भी हम एक एक करके निकालेंगे और ये भी हम प्लांटेशन टैंक में यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो है ना दोस्तों हमारे सारे परिंदे और सारे के सारे पेट फिश वगैरह जितने भी दिनों में सारे के सारे घर वालों के भरोसे पे देखे गया था और हमारे सारे पिजन्स वगैरह, मतलब जितने भी पेट्स है भाई सारे ठीक ठाक है यार। तो है ना दोस्तों हम क्या करने वाले, ये सारे के सारे प्लांट्स हम कल लगाने वाले हैं मॉर्निंग में, आज नहीं लगाएंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि बहुत दूर से मैं आया हूँ और ट्रैवलिंग करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इनको हम यार कल ही लगाने वाले हैं। तो ना दोस्तों हमारा जो पॉन्ड है सारे के सारे मैं अभी भर देता हूँ और इनमें हम प्लांट्स भी लगाने वाले हैं। ठीक है ना, ये भाई कल ही इनका काम हो जाएगा, कल ही हम इनमें प्लांट्स लगाने वाले हैं क्योंकि आज हम नहीं लगा सकते, आज हम पानी भरने में पूरा का पूरा वक्त जाने वाला है यार। चलो यार दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ कल और हम सारे के सारे हमारे सेटअप में कल प्लांट्स लगाने वाले हैं। ठीक है मॉर्निंग में, तो अभी मैं सारे पॉन्ड पहले भर देता हूँ और सारे भाइयों को गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सारे भाइयों को। तो दोस्तों अभी हो चुकी है मॉर्निंग, तो अभी हमारा काम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है यार आज, परफेक्ट, तो आज बहुत अच्छे से काम होने वाला है। और कल है ना मैंने हमारे जो पॉन्ड है ये भरना स्टार्ट कर दिया था बट यार कल है ना लाइट चली गई थी तो यार पानी भी पूरा ख़त्म हो गया था, तो इसी की वजह से आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट हमारे भर चुके हैं, अभी 2 पॉइंट बाकी है और ऊपर के हम बाद में भरने वाले हैं क्योंकि हमारे प्लांट्स जो इतने प्लांट्स नहीं यार, मैं अलग अलग प्लांट्स लगाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे अलग प्लांट्स आने वाले और ऊपर हमारे अलग प्लांट्स आने वाले। हमारे जब तक पॉन्ड भर देने तब तक मैं हमारे फिशेज को फूड दे देता हूँ। और दोस्तों इनकी आप ग्रोथ देख सकते हो, हमारे बेबीज की ग्रोथ देखो यार, बैलून मौली के। एक मिनट यार, धूप में ज़्यादा चमकते हैं ये, देखो अभी धूप आई तो देखो कितने चमकने लगे यार, वाओ। और इनकी जो ग्रोथ है ना यार बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना पूरा नेचुरल है, इनको ग्रीन वाटर है, इनको ग्रीन अल्गी है, प्रॉपर इनका फीडिंग भी प्रॉपर टाइम पे भी हो रहा है यार। और मैंने यहाँ पे कुछ टक्सेडो गप्पी छोड़ दी थी तो उन्होंने भी यहाँ पे ब्रीड कर दी यार, ये देखो उनके बेबीज देखो यार। हमारे पास डेजी बीच में हमारे पास बहुत सारे टक्सेडो गप्पीज है यार, ये देखो कितने बेबीज है छोटे छोटे, आज ही देखे यार मैंने ये। चलो अभी इनको मैं फूड दे देता हूँ, ये अच्छे से खा लेंगे, शाम तक ये पूरा ख़त्म कर देंगे। इनको 4 बजे फिर दोपहर में फिर एक बार अलग वाला फूड डालना होगा, छोटा वाला डाफनिया वगैरह। तो अभी हमारे गोल्डन बेलन मौली को भी दे देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे हमारी ऑरेंज मौली, तो अभी हमारे यहाँ पे हैं कुछ डम्बोज, डम्बो भी खा लेगी। और यहाँ पे है हमारी फ्लेकोज, फ्लेको को ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि बड़ी साइज़ की ना, तो इनको ज़्यादा लगता है खाना। और ये थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रहेगी और जैसे ही हमारे पॉन्ड का काम हो जाएगा तो हम हमारे मॉन्स्टर फिश के साथ हमारी बड़ी वाली शक्कर छोड़ने वाली। तो अभी पूरा सूख चुका है यार, जैसे हमारे प्लांट का काम ख़त्म होगा वैसे हम इसका काम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं थोड़े दिन इनको अच्छा सा सूखने दूंगा फिर हम इसका काम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी हमारे पॉन्ड चारों के चारों भर चुके हैं। तो यार दोस्तों इस टब में है हमारे 3 वैरायटी के प्लांट्स, जो कि इसमें से कुछ हमारे थर्मोकोल में जाने वाले और कुछ हम नीचे टब सेटअप करने वाले उसमें जाने वाले। जैसे कि ये वाला जो प्लांट है ना यार, इसका नाम नहीं पता यार मुझे, अच्छे से पता था बट मैं भूल गया यार। तो ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट का हम अलग सेटअप करने वाले हैं और ये बाकी ना ये हमारे गप्पीज के लिए देने वाले। तो चलो अभी मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हमारे प्लांट सेपरेट कर लिए, 1, 2, 3 हमारे 3 वैरायटी के प्लांट्स है। ठीक है, तो ये एक वाला हमारे गप्पी फिश के पॉन्ड में जाने वाला है, सेकंड वाला भी हमारे गप्पी फिश के पॉन्ड में जाने वाला है और ये हम नीचे हमारे प्लैटी फिश को लगाने वाले हैं। ठीक है, ये देखो यार पूरे कोरिंडर जैसा दिखता है, एक्वाटिक प्लांट है। जिन भाइयों को इनका नाम पता होगा मुझे यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो यार मुझे भाई बोले कि ये गप्पी फिशेज के लिए बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं क्योंकि गप्पी फिश जब बेबीज देती है ना तो ये बेबीज इनमें छुप जाते हैं, मतलब इनका हाइडिंग प्लेस का प्रॉपर काम करता है।
तो ये हमें प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सेम वैसे ये वाला प्लांट है, ये भी ऐसे ही है, इसमें गप्पी विश के बेबी छुप जाते हैं, उनको एक प्रॉपर हेडिंग प्लेस मिल जाता है। तो ये भी हमारे बहुत काम में आने वाला है और ये भी काम में आने वाला है। और ये वाला जो है ये हम प्लांटिंग सेटअप में ऐड करने वाले हैं, जो कि हमें मिट्टी में लगाने वाले हैं। ये तो हम ऐसे ही पानी में डाल देंगे तो ये ऐसे ही ग्रो होते रहेंगे। ये थोड़े फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, तो चलो यार ये सबसे पहले हम ऐड कर देते। तो ये फर्स्ट वाले में ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यार प्रॉपर धूप भी आ रही है। अभी मॉर्निंग का वक्त है, अभी मॉर्निंग के 8 बजे, तो ये प्रॉपर यहाँ पे धूप भी आ रही है, तो यहाँ पे अच्छे ग्रो भी होंगे। ये देखो यानी यहाँ पे अच्छे से ऐड कर दिए। तो यार मेरा एक है यार, मेरे पास अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं होते, बट यार ये वाले प्लांट्स ज़रूर ग्रो होंगे, क्योंकि मुझे एक्वेरियम वाले भाई बोले पूरा पूरा का पूरा प्रॉपर नॉलेज दिया है भाई। तो चलो यार अभी इनकी बारी, ये मैं 50-50 कर दूंगा, 50 हम एक पॉन्ड में डालेंगे और 50 हम दूसरे वाले पॉन्ड में डालने वाले। तो ये वाले जाएंगे इस वाले पॉन्ड में, ओके, और ये जो बाकी वाले हैं तो ये जाने वाले हैं हमारे थर्ड वाले पॉन्ड में। तो ये हमने ऐड कर दिए यहाँ पे। अभी यार ये आ गए यार यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 1, 2, 3 प्लांट्स हमने ऐड कर दिए। तो बाकी हम इसमें वाटर लिली लगाने वाले, इसमें पता नहीं यार कौन सा लगाएंगे, अभी देखते यार। मैं फिर से पेट शॉप जाने वाला हूँ 1-2 दिन बाद, फिर हम वहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पे भी हम वो प्लांट्स लगा देंगे। बट यहाँ पे हमारे भी 3 पॉन्ड कम्प्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारे 2 वैरायटी के प्लांट्स तो लग चुके हैं, अभी हमारी जो 3री वैरायटी है अभी इसके ऊपर हमारा काम चलेगा। मतलब मैं अभी इसका प्लांटेशन, सॉरी इसका मैं अभी टब वगैरह रेडी कर रहा हूँ, और ये टब में रेडी होकर हम इस पर लगा देंगे, क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है यार। तो ना दोस्तों मैंने हमारे सारे प्लांट्स यहाँ पे लगा दिए, ये देखो भाई। चलो यार अभी हम इसको इसकी जगह पे लगा देते हैं, तो चलो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं। तो दोस्तों हम ये वाले प्लांट्स इस वाले टब में लगाने वाले हैं, तो चलो अभी मैं इसको रख देता हूँ। तो ये रख दिया मैंने, और ये वाला जो टब है ना हम इस कोने में रखने वाले हैं, और यहाँ पे यार प्रॉपर धूप भी आती है, तो अभी हम इसको उठाकर यहाँ पे रख देते हैं इसकी जगह पे। तो ये देखो भाई इसको मैंने अभी रख दिया। बारिश की वजह से यार हमारा ये पॉन्ड पूरा भर चुका है और पानी पूरा ग्रीन हो चुका है। और हमारे टब यहाँ पे लगाने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से ना अभी मॉर्निंग में सीधी ऊपर से 2 से 3 घंटे प्रॉपर धूप आती है, तो यहाँ पे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होने वाले हैं। तो चलो यार मैं इसमें अभी पानी वगैरह भर देता हूँ। और यहाँ पे ना यार थोड़ा हमारा टब है ना टूटा हुआ है, मतलब मैंने टूटा हुआ टब लिया है, क्योंकि प्लांट प्रॉपर पानी में मिक्स हो जाए। ये देखो यार टूटा हुआ है, तो यार थोड़ा पानी गंदा करेगा ही, ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है पानी हम बाद में साफ़ कर लेंगे। तो चलो अभी जल्दी जल्दी मैं पानी भर देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे पानी भर दिया, और हमारा जो वाटर है थोड़ा यार ब्लर ब्लर सा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी पानी भर रहा है, तो मिट्टी और पानी मिलने की वजह से थोड़ा ब्लर हो चुका है। कोई नहीं यार, 1-2 दिन में ये पानी पूरा बैठ जाएगा और हमारा पानी पूरा क्लीन दिखेगा। फिर हम यहाँ पे हमारी जो फीस छोड़ने वाले अभी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों हमने जो अभी टब सेटअप किया, तो वहाँ पे हमारी कौन सी फीस रहने वाली है अभी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना दोस्तों हमारे रहने वाली है बैलून प्लैटिक, क्योंकि हमने बहुत दिनों से इस वाले पॉन्ड में रखी है। तो ये देखो भाई यहाँ पे हमारी है बैलून प्लैटिक, कहाँ भाई यार ये, हाँ इस कोने में, ये देखो भाई ये वाली फिश हमारी उस वाले पॉन्ड में रहने वाली है। यार ये बहुत ज़्यादा डरती, पता नहीं यार इतनी क्यों, मतलब फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं यार। और दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी वाटर लिली ऐड की थी, तो देखो यार टंकी में पूरी जगह उसने संभाल ली है, और कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। मुझे मन लग रहा है कि भाई हमारी वाटर लिली में यहीं पे रहने दूँ। देखते हैं भाई अभी क्या, मतलब आप ही मुझे सजेस्ट करो यार यहीं पे रहने देने की, या हमारे बड़े वाले पॉन्ड में शिफ्ट करने की। यहाँ पे देखो यार कितनी खूबसूरत दिख रही। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे हमारे लिली को लेकर, जो कि यहाँ पे हमारी लिली रहा करती थी। यार मैंने लिली को फार्म में क्यों दिया, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को लगता है कि मैंने उसको सेल कर दिया, मेरे दोस्त को सेल कर दिया। भाई मैंने सेल वगैरह नहीं किया है, मैंने सिर्फ उधर रखने के लिए दिया है, ठीक है, क्योंकि यार लिली को बहुत सारे दोस्त मिल सके न्यू, और लिली वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो होगी, सॉरी लिली के जो बेबीज है जल्दी जल्दी ग्रो भी हो गए, और हमारी लिली बहुत जल्दी कुड़क भी हो जाएगी, फिर हम लिली को फिर से लेके आएंगे। बट उसके जो बेबीज है हम उनको रिटर्न नहीं लाएंगे, उनको हम किसी पेट शॉप में सेल कर देंगे। अभी तो मैंने सेल नहीं किया भाई, बाद में तो उसको मैं सेल करने वालों, बट छोड़े बड़े बड़े होंगे तब हम किसी
पेट शॉप में सेल करने वाले हैं। ठीक है यार दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे प्लांटेशन टैंक के ऊपर काम।